सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एसएस व्लॉग। हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं न्यू सेंट्रो 2018 का रिव्यू करने के लिए। काफ़ी टाइम से इंतजार था लोगों को उस गाड़ी के आने का, बट फाइनली 24 अक्टूबर को गाज़ियाबाद में लॉन्च हो चुकी है ये गाड़ी। तो आज हम उसका पूरा रिव्यू करते हैं और आपको दिखाएंगे गाड़ी अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है। जितने मिडिल क्लास लोग हैं उन लोग का सेंट्रो का इंतजार था, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली कार है, कम बजट में आ जाती है। और इस वक्त जो ह्यूंडई सेंट्रो ने अपनी सीएनजी में भी इसको लॉन्च कर रखा है और साथ में ऑटोमेटिक में भी है। काफ़ी न्यू फीचर्स हैं, पुरानी वाली से ज़्यादा फीचर्स हैं नई वाली में। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और अब तक जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, हमारा आगे चल के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगी। तो दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़िए हमारे साथ, आओ चलो आपको लेके चलते हैं ड्रीम ह्यूंडई। अंदर चलते हैं और आपको पूरी सेंट्रो का रिव्यू करते हैं। बाय। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं ड्रीम ह्यूंडई, अंदर हमारा दोस्त इंतजार कर रहा है जो कि हमें पूरा रिव्यू कराएगा उस गाड़ी का। आइए अंदर चलते हैं, लेट्स गो। लो गाइस, दिस इज द ऑल न्यू सेंट्रो विद टाइफून सिल्वर कलर, और इसमें आपको 6 कलर और अवेलेबल हैं। और ये गाड़ी जो है बहुत यूनिक बनाई गई है, एकदम नई, बिल्कुल चेंज, टोटल चेंज है इसमें। और इसमें आपको कंपनी की तरफ से 14 इंची के टायर मिलेंगे और इससे नीचे वेरिएंट में 13 इंची के टायर। ये गाड़ी की कलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी है कंपनी जो दे रही है। और इस कार में आपको स्मार्ट ऑटो फीचर्स मिल रहा है विद ORVM मिरर विद इंडिकेटर, और ये सेकेंड टॉप वेरियंट है। इसके साथ आपको गाड़ी में 8 वेरियंट और मिलेंगे। इसमें आपको व्हाइट कलर भी मेटेलिक फिनिश के साथ ही मिलेगा। आपको इसके टॉप मॉडल में बैक कैमरा विद सेंसर मिलेंगे, और जो इसमें साइड मिरर दिए गए हैं वो पुराने सेंटर से काफ़ी अच्छे दिए गए हैं विद इंडिकेटर, और आपको इस किसी भी वेरिएंट में अलॉय व्हील नहीं दिए जाएंगे। सब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के न्यू फीचर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल इसमें अलग जो है AC वेंट दिया गया है, और इसमें यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। इसमें 5.1 इंच का टच स्क्रीन स्टीरियो विद इनबिल्ट स्पीकर और ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। और इसके स्पीडोमीटर भी टोटल चेंज कर दिया गया है, और इसके AC वेंट दिए गए हैं वो मैनुअल दिए गए हैं। और इसके जो रियर फ्रंट पावर विंडो के स्विचेस यहाँ दिए गए सेंटर में, और इसके पीछे की जो सीट है वो काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें पीछे 3 लोग आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और इसके हर गेट में स्पीकर दिए गए हैं और हर गेट में बॉटल की स्पेस दी गई है, और इसमें डबल कलर के साथ फिनिशिंग दी गई है, और इसमें 32 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसकी जो बूट स्पेस है वो 235 लीटर की बूट स्पेस है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है इसमें आपको टूल किट भी दी जाएगी विद स्टेपनी। इसमें फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर और डोर हैंडल्स बॉडी कलर के मिल रहेंगे हर वेरिएंट में, और इसमें जो आपको साइड मिरर्स हैं वो भी बॉडी कलर के साथ हैं। और जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी बनाई है पुराने सेंट्रो को ध्यान में रखते हुए। 2-way एडजस्टेबल इसकी सीट है, और जो इसकी AC वेंट है वो यूनिक डिज़ाइन एयर कॉन्वेंट है, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन बिल्कुल। और जो इसके साइड मिरर हैं वो अंदर से ही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, और इसके स्टीयरिंग पे भी काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ, लाइक कॉल्स पिक एंड ड्रॉप, इसमें नेविगेशन विद एंड्रॉयड एंड ऑटो कार प्ले। सर, आज की जनरेशन के हिसाब से कार बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है, ये गाड़ी ऑटो स्मार्ट फीचर्स के साथ मार्केट में आई है। आइए इसके इंजन की तरफ चलते हैं। जो इसका इंजन है वो आज की जनरेशन को देखते हुए बनाया गया है, जो कि है 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद मैक्सिमम पावर ऑफ 68 BHP 69 PS एट 5500 RPM एंड 99 Nm ऑफ पीक टॉर्क एट 4500 RPM विद टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस, आपको कैसी लगी है न्यू सेंट्रो? इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी इंक्लूड करे गए हैं, और इसमें आपको MPI इंजन दिया जा रहा है जो कि न्यू जनरेशन के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि दोस्तों, ह्यूंडई ने टाइम तो लिया है, बट इस बार कुछ सेंट्रो में कुछ अलग ही करा है,
बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार हम आपसे ये कहेंगे, प्रीफर जरूर करेंगे कि एक बार आप शोरूम पे जाएं, वहाँ जाके देखें, आपको अच्छी लगे तो जरूर लें इस गाड़ी को। फैमिली कार के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है। इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी है और इसमें आपको सीट फोर्डेबल का भी सिस्टम मिलेगा। और जो इसकी कॉस्टिंग है लगभग पुरानी सेंट्रो से 50,000 या 1,00,000 महंगी गई है, लेकिन इसमें जो फीचर्स डाले गए हैं वो आज की जनरेशन के हिसाब से ही डाले गए हैं। छोटी गाड़ियों में सबसे बेस्ट गाड़ी अभी तक हमें ये लग रही है, क्योंकि इसमें फीचर्स बिल्कुल बड़ी गाड़ियों वाले दिए गए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। और इस बार जो इसका एवरेज है वो काफी बढ़ाया गया, पुरानी सेंट्रो की तरह नहीं है, एवरेज में इम्प्रूव किया गया एवरेज। इसमें आपको सीएनजी भी मिलेगा, सीएनजी का भी काफी अच्छा एवरेज है। इसमें आपको नए ORVMs और A सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं तो आपको सिलेरियो और जो पुरानी सेंट्रो थी वो मिक्स होकर दिखेगी आपको। सो दोस्तों, आप एक बार इस गाड़ी की जरूर टेस्ट ड्राइव करना विद फैमिली के साथ। फैमिली कार के लिए सेगमेंट बहुत बढ़िया निकाला गया है ये, और आपके फैमिली को जरूर पसंद आएगी। सो इसका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहाँ से हमने इसका आज रिव्यू कराया। और हाँ दोस्तों, जब तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय।